देखिए, अगर हमारे हस्बैंड कश्मीरी हैं तो हमारे बच्चे भी कश्मीरी हैं, फिर आप लोगों ने हमारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन फॉरेन सेक्शन में क्यों की है? आज से 14 साल 12 साल हो गए हैं जो पॉलिसी अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी, जो यहाँ से लड़के पाकिस्तान चले गए थे। अक्सर गवर्नमेंट के जो लोग हैं और डॉक्यूमेंट्स में और इन चीज़ों में उनको एक्स मिलिटेंट के नाम से पुकारा जाता है, जबकि वो एक्स मिलिटेंट नहीं हैं। अब चलो गवर्नमेंट उनको यही समझती है तो यही सही, लेकिन हम लोग इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी अनाउंस की तो कुछ फैमिलीज थी जिनमें से 350-400 तकरीबन फैमिलीज हैं जो अपने घरों को वापस आ गए। वो लड़के 400 लड़के थे तो उनकी फैमिली में किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 2 बीवी समेत वो अपने घरों को वापस आए। तो हमने कोई ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ऐसी कोई गुनाह नहीं किया जो गवर्नमेंट ने हमें इस चीज़ की सज़ा दी है, जो हम 10-12 सालों से जो है वो हम अपने मायके वालों से दूर हैं, मिल नहीं सकते। यहाँ हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली जिनके लिए उन्होंने हमें बताया था, जो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया था, यहाँ आके हमने देखा कि हकीकत क्या है। तो हम लोग जब यहाँ आए तो वो सब कुछ जो बोला जा रहा था वो सब झूठ था, वो एक मजाक था हमारे साथ। हम वो औरतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान से कश्मीर लड़कों के साथ शादियों की पॉलिसी अनाउंस हुई, फिर हम यहाँ आए। तो ये प्रोटेस्ट हमें तब शुरू हुआ जब 2014 में एक लड़की ने सुसाइड किया था, बागाजात कश्मीर की। वो वहाँ से रहने वाली थी, यहाँ नाइट के हाजन में रहती हैं, 3 बच्चे उनके रह गए। तब से हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि हमें सिटीजनशिप दी जाए, क्योंकि आपने हमें इन्वाइट किया पाकिस्तान से, हम लोग आए, ठीक है, कोई ऐसा जुर्म तो हमने किया नहीं था या कोई ऐसा गैरकानूनी काम हमने नहीं किया था कि हमें ये बताया जाता कि आपने कोई ऐसा जुर्म किया है, ठीक है। अब जब हम आए हैं तो हमें आप रिहैबिलिटेट करो, हमें यहाँ की सिटीजनशिप दी जाए। तो आप खुद समझिए कि हमारी ज़िंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ये हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। उनका फ्यूचर क्या है? आपने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को घर बुलाया, लेकिन जो उनके साथ फैमिली जा रही है उनके बारे में हमने ऐसी कोई पॉलिसी अनाउंस की, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जिसके तहत वो वापस पाकिस्तान जाएंगी? तो आज सुनने में ये भी आ रहा है कि मतलब दोनों मुल्कों में मुआहदे हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुल्कों में मुआहदे हो रहे हैं, पुरअमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हम दोनों मुल्कों से यही अपील करते हैं कि आप हमारा जो मसला है इसको सर फहरिस्त रखें और इस इशू को उठाएं। इस पे हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब सिटीजनशिप दी जाए, इंडियन सिटीजनशिप। अगर नहीं दे सकते एज ए पाकिस्तानी नेशनल, हमें यहाँ स्टे ऑर्डर दिया जाए, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें वापस दिए जाएं। उस पे हमें एक नूरी वीज़ा आता है, नूरी वीज़ा दिया जाए जिस पे वापस हम पाकिस्तान जाएं। अगर आपसे वो भी नहीं हो सकता, जो लोग यहाँ से डिपोर्ट होना चाहते हैं उनको आप डिपोर्ट कर दें। ये मजाक जो है हमारे लिए तो बहुत लोगों की जानें ले गया, ये मजाक बहुत लोग पागल हो गए, सताई गई वो औरतें, इनके हार्ट अटैक हो गए, फौत हो गई। मतलब वो मजाक हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। तो शायद इस गवर्नमेंट के लिए ये छोटी सी बात हो, हमारे लिए ये छोटी बात नहीं है। हम लोग अब गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप हमें डिपोर्ट कर दो, मतलब हमारे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी तो गुजार सकें। जब 2019 में शायद यहाँ दफ़ा 370 ख़त्म की गई थी, आर्टिकल 35 से ख़त्म हुआ, उसके बाद आपको पता है पूरी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में फ़ोन बंद थे, इंटरनेट जो था वो भी बंद था। बहुत सी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार होगी, बहुत सी घर वालों से बात ना होने की वजह से, मतलब हार्ट अटैक हुआ उनको, हार्ट पेशेंट बन गई। वहाँ उनके वालदैन के साथ ऐसा होता रहा, मतलब वो इधर अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते थे। किसी के वालिद साहब की डेथ हो गई, वालदा की डेथ हो गई, और अपने ख़ानदान में बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं। तो हम ये मतलब रिश्ते जोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि एक लड़की की जब शादी होती है, जब वो किसी शहर में जाती है या किसी दूसरे मुल्क में जाती है, तो उसका काम मतलब वो घर बसाने के लिए जाती है, घर उजाड़ने के लिए नहीं जाती है। अब यहाँ क्या था क्या नहीं था, उस चीज़ों को परे रख के गवर्नमेंट को ये करना था कि जब आपने पॉलिसी अनाउंस की, आपको ये देखना था कि उनके साथ जो फैमिलीज आ रही हैं उनके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि जब भी हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपनी डिमांड रखते हैं, 2 दिन 3 दिन मीडिया पे शोर होता है, लेकिन गवर्नमेंट के कानों में पता नहीं क्यों हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही। हम पूरी रात बाहर एम्बेसी के बाहर बैठे रहे, हमने कहा कि हमें यहाँ या तो मरना है या हमें वापस जाना है। उन्होंने आगे बात की, उन्होंने कहा आप उनको भेजें। जब हम वहां से इमरजेंसी पासपोर्ट लेके वाघा बॉर्डर पहुंचते हैं,
वहाँ की इमिग्रेशन, उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप पहले जाएं, आप पहले क्लियरनेस लेके आएं। फिर हम कश्मीर आए, क्लियरनेस ली, वो दी, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। फिर वो कह रहे हैं कि नीचे आप इन पे, इन डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिट लगा के लाएं। जब हम एग्जिट लगाने के लिए तुर्कमान गेट जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आपको एग्जिट कश्मीर से मिलेगी। जब हम कश्मीर आते हैं, कश्मीर वाले कहते हैं नहीं जी, ये दिल्ली वालों का काम है। मतलब हमें समझ नहीं आती कि हम लोगों को क्यों जो है वो इस तरह परेशान किया जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या मकसद है? अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम यहाँ कैद में रहेंगे, इसी तरह हम मर खप जाएंगे जिंदगी, कल को हमारे बच्चे खड़े होंगे हमारी जगह पे, वो मांगेंगे अपना हक। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आज की डेट में अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो एटलीस्ट उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। एग्जिट तो हमें इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब उन्होंने वो लाया है, उन्होंने हमें लाया है, अगर हम इल्लीगल थे तो जैसे हम एंटर हुए थे इंडिया में वो हमें वापस कर देते कि आप लोग यहाँ पे लीगल नहीं हो, आप यहाँ नहीं आ सकते। अब अगर हम इल्लीगल हैं, आप हमें अरेस्ट कीजिए, फाइन कीजिए, जो जो कुछ आपसे है आप कीजिए, और उसके बाद या तो हमें डिपोर्ट कीजिए, या तो अगर आप हमारी ज़िंदगी यहाँ बहाल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ की सिटीजनशिप दीजिए, हमारे बच्चों को यहाँ के हकूक दीजिए। समझ नहीं आती गवर्नमेंट हमें जवाब क्यों नहीं देना चाहती। यहाँ तक कि गवर्नमेंट आज पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, हम भी चाहते हैं बने, लेकिन जो है वो ये सिर्फ दिखावा लग रहा है हमें, क्योंकि हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें पता है कि ये सिर्फ दिखावा है दुनिया को, हमें नहीं, हमें तो पता है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो गवर्नमेंट से इसीलिए मतलब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें वापस भेज दें हमारे शौहरों समेत, क्योंकि जब उन्होंने उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको सिर्फ क्या कश्मीर की ज़मीन चाहिए? उनको कश्मीरी नहीं चाहिए?